देखो, मैं हूँ अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है मलेशियन पाम ऑयल ने, जो कि कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। और जी ना सिर्फ कि ये हमारी रवायती कुकिंग, बल्कि जी फास्ट फूड, कन्फेक्शनरी और इसके साथ साथ दीगर सनतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला ये मलेशियन पाम ऑयल है। मलेशियन पाम ऑयल जो कि कुदरती तौर पर विटामिन ई से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है और इसके साथ साथ एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं इसके अंदर कुदरती तौर पर, जिसकी वजह से जी ये बहुत सी बड़ी बीमारियों से आपको बचाता है, लाइक हार्ट डिजीज, कैंसर और इस तरह की तमाम जो बीमारियां होती हैं उनसे ये बचाता है। तो वेल, हम आपको यहाँ पर जायकों से भरपूर रेसिपीज तो सिखाते हैं, साथ साथ आपको सेहत से भरपूर बहुत सारी चीज़ें भी बता रहे होते हैं। और आज क्या मज़े की रेसिपीज बनने वाली हैं, उनके लिए जी वेलकम करते हैं हमारी प्यारी शीरीना पा को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खाना खा के आइए। नहीं नहीं, मैं तो नहीं खा रहा। आज तो आपको अच्छा सा आलू और कॉर्न का पराठा बनाना। सीरियसली, आज पराठा बन रहा जो मैं बनाऊंगी वनस्पति में, हम इसको फ्राई करेंगे, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। ओके, तो आज एक पराठा बन रहा है और दूसरी रेसिपी है चिकन गोलाश, जो कि हंगेरियन डिश होती है। ठीक है, बहुत ही, तो हम स्टार्ट करते हैं चिकन गोलाश की, बहुत ही आसान क्विक रेसिपी। ओके, इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे बटर। ठीक है, हम बटर डालेंगे इसमें, इसमें गया बटर। फिर हमेशा आप लोगों को पता है, मैं बताती हूँ कि बटर कभी भी जिस चीज़ में भी डलता है खाली नहीं पड़ता है, हमें हमेशा उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑयल लाजमी डालना होता है। ठीक है, वरना बटर जल जाता है, एवेपरेट हो जाता है। तो हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, जो कि जाएगा 2-3 टेबलस्पून। और इसमें इस ऑयल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मलेशियन पाम ऑयल। और मलेशियन पाम ऑयल हर तरह की कुकिंग के लिए बेस्ट है, चाहे आप वो ये रवायती कुकिंग कर रहे हों, चाहे वो फास्ट फूड हों, चाहे वो कोई भी रेसिपी तैयार हो रही है। इसीलिए तमाम इंटरनेशनल शेफ्स भी प्रेफर करते हैं मलेशियन पाम ऑयल को अपनी हर रेसिपी बनाने के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, साथ में बटर लिया है। ठीक है, अब अच्छा, अब इसमें मैं चिकन डालती हूँ। हाफ के जी मेरे पास चिकन है, इस तरह से 2-2 इंच के क्यूब्स कटिंग में कटी। ठीक है, चिकन चली जाएगी और चिकन डाल के हम इसको फ्राई करेंगे जस्ट फॉर 5 मिनट्स। जस्ट फॉर 5 मिनट्स। ओके, चिकन एक अच्छी सी ये भी रेसिपी लग रही है। इसको हम 5 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक के चिकन पिंक से वाइट हो जाएगी। ओके, चंद इंग्रेडिएंट जाएंगे इसमें, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। जब साथ में चिकन के मैं इसमें प्याज भी डाल रही हूँ, 1 मीडियम साइज़ की अनियन है जिसको मैंने चॉप्ड किया हुआ है, ये चली गई, बड़ी क्रीमी सी मज़े की होती है। इसको आप गार्लिक राइस के साथ सर्व करें। ठीक है जी, वैसे मलेशियन पाम ऑयल एक न्यूट्रल ऑयल है जिसका अपना कोई फ्लेवर, कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब भी ये खाने इससे बनाए जाते हैं तो ये खानों का टेस्ट, जायका, अरोमा को इन्हांस कर देता है, मज़ेदार कर देता है और जायके से भरपूर कर देता है। जैसे जैसे ये अभी रेडी होता जा रहा है तो मैं इसका अरोमा फील कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार सा आ रहा है। अच्छा, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो आपको पसंद है आप डालें, 1 टीस्पून। मैं ब्लैक पेपर डाल दिया, पेपरिका ये रखा हुआ है मेरे पास, 2 टीस्पून लेवल्ड। ओके, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून लेवल, पेपरिका पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। ऑलराइट, अब इसको बस मिक्स मिक्स तैयार। अच्छा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास मैदा, 1 टेबलस्पून हीट, 1 टेबलस्पून भर के मैदा जाएगा। मलेशियन पाम ऑयल का भी साथ साथ आप लोगों को और बताते चले, मलेशियन पाम ऑयल हर तरह की कुकिंग के लिए जैसे हमने कहा कि बेस्ट है, तो इसलिए आप इसको हाई टेम्परेचर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी गजाइयत
स्टेबल रहती है हाई टेम्परेचर पे भी, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री। वाह, तो इस पर आप बनाइए रेसिपीज और तैयार करें। इसीलिए ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पे, और हर तरह की कुकिंग के लिए, चाहे वो फ्राइंग के लिए हो, चाहे वो बाकी और रेसिपीज के लिए हो, तो हर तरह की कुकिंग के लिए ये बेस्ट है। अच्छा जी, अच्छा, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अभी 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और यहाँ मेरे पास टोमेटो पेस्ट रखा हुआ है 2 टेबलस्पून। अगर आप प्यूरी इस्तेमाल करेंगे तो वो 3 टेबलस्पून जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी पतली होती है। ये कॉन्सेंट्रेटेड है, पेस्ट है, तो मैं 2 टेबलस्पून डाल दूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्रीम जाएगी 4 टेबलस्पून। ज़्यादा क्रीमी पसंद है, यू कैन गो अप टिल हाफ अ कप। ओके, अब हमको इसकी सॉस बनानी है। तो सॉस कैसे बनेगी, इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, मैदा भी मौजूद है, चिकन ने अपना स्टॉक भी छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसको हम 10 मिनट पकाएंगे, तो ये हमारी अमेजिंग सी चिकन गोलाश रेडी हो। ओके, थैंक यू। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, आधा कप बस। अब हम वेट करेंगे, तो फिर हम ब्रेक ले सकते हैं आप? बिल्कुल ले लें। ओके, तो यहाँ चिकन गोलाश बन रही है, थोड़ा पानी डाला है, थोड़ी देर और कुक करेंगे और फिर ये रेडी हो जाएगी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है। ये है मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। अभी तो एक और रेसिपी है जो कि है पराठों की, वो भी है बहुत ही ख़ास, उसे डिटेल में शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और अपनी सेकंड रेसिपी पे आने से पहले एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें, जो कि हम हर शो पर आप लोगों को बता रहे होते हैं, और वो है सावित डिवाइन ब्लेसिंग की कैंपेन के बारे में। ये एक बहुत अच्छी सी कैंपेन स्टार्ट हुई है, जो कि मलेशियन पाम ऑयल ने स्टार्ट की हुई है। और सावित, जो कि एक इसका लोगो आप देख रहे हैं, और सावित बेसिकली ए मलेशियन लैंग्वेज है, और इसका मतलब ये है, मलेशियन ज़बान में इसका मतलब है पाम, डिवाइन ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जी एक और चीज़ आप लोगों को ये बताएं कि जी ये इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जा रहा है, क्योंकि 4,50,000 किसानों का रोज़गार वाबस्ता है इस मलेशियन पाम ऑयल इंडस्ट्री से। और इसके साथ साथ जी, और इसीलिए इसका शुक्र अदा किया जाता है, और मलेशियन पाम ऑयल मलेशिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट में से भी एक है, तो ये बहुत ख़ास बात है। वैसे तो हमें हर पल ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, पर जी जो कैंपेन स्टार्ट हुई है, इससे वो पल पल याद रहता है, और पल पल वो तमाम लोग शुक्र अदा करते हैं। ओके, तो हमारी सेकंड रेसिपी अभी हमने, मैं एक दफ़ा चेक करूँगी, हंगेरियन गोलाश। ओहो, बहुत ज़बरदस्त, और इसका अरोमा, गार्लिक राइस, फ्राइड राइस या बटर्ड स्लाइस, डिनर रोल्स, एनीथिंग यू कैन सर्व दिस विद। ठीक है, अब मैं अपनी दूसरी रेसिपी पे आ रही हूँ, कॉर्न एंड पोटैटो पराठा। फिलिंग की तरफ आ रही हूँ, बॉयल्ड पोटैटोस लिए हैं मैंने 2 कप। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, हरा धनिया 3 टेबलस्पून, कोरिएंडर लीव 3 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। स्पाइसी पसंद है, फीका पसंद है? नॉर्मल, ना बहुत स्पाइसी ना बहुत, 1 टीस्पून सही है। ठीक है, 1 टीस्पून ये डाल दिया, अनियन जा रही है इसमें चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड अनियन चली गई। ओके, फिर इसमें हम डालेंगे नमक 3/4 टीस्पून, बिकॉज आलू में भी नमक नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, दैट्स ऑल स्पाइस पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर इसमें जाएगा क्रश्ड क्यूमिन, यानी भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। ठीक है, ये तो हमारी फिलिंग रेडी हो गई। और एक चीज़ इसमें रह गई है, हरी मिर्चें चॉप्ड, बच्चों के लिए बना रहे ना डालें, पुदीने के चंद पत्ते। ठीक है, अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर दीजिए। ये तो हमारी हो गई फिलिंग रेडी। और आटा कैसे गूंदना है? नॉर्मल आटा मैंने क्या किया है, 1 कप लिया है मैदा,
एक कप आटा गेहूं का आटा, एक कप मैदा, एक कप गेहूं का आटा, उसमें आधा चाय का चम्मच डाला है नमक और नीम गर्म पानी से आपने इसको गूंथ लिया। दैट्स इट। ओके, बहुत सिंपल तरीके से गूंथ के थोड़ी सी देर छोड़ दें आप उसको ताकि ढल जाए, ठहर जाए थोड़ा। ठीक है, और ये हमारी फिलिंग बन गई। अब हम पराठों की तरफ आते हैं। अच्छा देखें, पराठे दो तरह से बन सकते हैं। एक तो ये है कि दो रोटियां आपने, दो पेड़े बनाए, दो रोटियां आपने बेल ली, एक बेल के उसके अंदर फिलिंग डाली, दूसरी जलेबी आपने उसके ऊपर रख दी। ये तो हर कोई बनाता है, ठीक है। और एक आप एक से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक ही में फिलिंग की और उसी को ही। हाँ, आप देखो मैं क्या कर देंगे, ठीक है। तो हम आपको एक वैसा बता देती हूँ और एक वैसा बता। ड्राई मैदा, अच्छा ये तो सिंपल वही प्रोसेस। आप देखो कितना अच्छा ऐसे बहुत स्मूथ है ये। मैंने काफी देर घंटा डेढ़ घंटा पहले इसको गूंदा था। okay. बस इतना आपने इसको बेलना है, क्वार्टर प्लेट की साइज का बस। और इसकी फिलिंग लेनी है, बहुत सारी अच्छे से हो फिलिंग वाला से पराठा हो तो फ्री होना चाहिए अच्छे से फिलिंग। इस तरह से आपने इसको पकड़ लिया, पोटली टाइप बना लिया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा फट रहा है कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है। ओके, वैसे मैं तो बहुत कंसंट्रेशन से देख रही हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है शेरिन आपा की ऐसे रेसिपी सीखने का, जो कि बहुत अच्छी रेसिपीज आप आपको दे रही हैं इस शो पे। अच्छा जी, हल्के हाथ से, ठीक है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से कोई फिलिंग नहीं, हालांकि ढेर सारी आपने फिलिंग अंदर फिल की थी इसको पूरी। फिलिंग अच्छी खासी डालेंगे जभी तो मजा आएगा। ऑफकोर्स, पराठा वो भी फिलिंग वाला। और इन पराठों को हम तैयार करेंगे बनस्पति में, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। और जी पराठे वैसे भी जो है बनस्पति में ही बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और आपको मालूम है मलेशियन पाम ऑयल वैसे ही बहुत कुदरती तौर पर विटामिन ई से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है, एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद है, जो कि हम बार बार आपको बता रहे होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रखते हैं। इसलिए बनाएं खाने, तैयार करें ना सिर्फ के ये रवायती खाने बल्कि हर तरह की कुकिंग में कहीं ना कहीं आपके दिन भर के जो खाना है कहीं ना कहीं मलेशियन पाम ऑयल आपके खानों में शामिल है ही है। चाहे वो आप फास्ट फूड ले रहे हो, चाहे वो आपका नाश्ते का हो, कुछ आपकी कोई भी चीज़ हो, यानी कहीं ना कहीं बारबेक्यू ले रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, हर जगह मलेशियन पाम ऑयल इस्तेमाल है हमारी ज़िंदगी में, हमारे खानों में। तो जी बड़ा सा पराठा आपने तैयार कर दिया बहुत भरपूर फिलिंग के साथ। और अब जी बनस्पति, अब हमने लिया बनस्पति जिसमें मलेशियन पाम ऑयल शामिल है और इसे हम करेंगे फ्राई। तो ठीक है, फ्राइंग हम ब्रेक में करते हैं। फ्राइंग तो यहाँ बिल्कुल बस एक तरफ सेकिंग सेक रही हूँ, आप देख लो। अच्छा, देखते हुए जाओ, जब सारा देख लिया अच्छे से और डिटेल में, फ्राइंग भी चेक कर लें। ओके, परफेक्ट, ठीक है, एक तरफ हो गया। अब आपकी मर्जी है, मैं इतना ऑयली नहीं पसंद करती, बस एक टेबल स्पून आपने इस पे घी लगाना है। मैं तो वैसे भरपूर पसंद करती हूँ और ये बनस्पति है एक्चुअली, और बनस्पति जो कि मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है। वैसे आप लगा दें भरपूर, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा लगा, मैं मतलब कड़क चाहिए आपको? हाँ, मतलब पराठे हो और भरपूर बनस्पति ना चाय हो। हाँ ये तो है। तो फिर मजा आता है एक्चुअल पराठों का। तो जी ये आप पराठे बना रहे हैं, आप इजाजत है, ब्रेक ले सकते हैं। नहीं, एक मिनट में टर्न करूंगी फिर हम चलेंगे। अच्छा,
अभी नहीं करेंगे, आपा ने मेरी चॉइस पे हम जाएंगे ब्रेक। अच्छे से बनस्पति लगा दिया इस पे। ओके, मैं भी देखना चाह रही हूँ एक्चुअली के। अच्छा वैसे मैं होती वैसे धारजा इस पे लगाती बनस्पति और तैयार कर देती, लेकिन आपा कुछ क्या रीजन है, जरूरी है कि थोड़ा वेट करना है? नहीं अच्छा है ना, अच्छी तरह से पकेगा ना। ओके Alright, अब हम इसको अच्छी तरह कड़क करेंगे जिस तरह अभी इसको खाना है। मेरी चॉइस में ये पराठा बन रहा है क्योंकि मैंने इसे भरपूर खाना है, इंजॉय करना है। ये है आपा की रेसिपी जो कि बनस्पति में जबरदस्त पराठा तैयार हो रहा है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल, और आप देख रहे हैं मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान, खुशबू यहाँ हो रही है। बहुत ही शानदार और मज़े की रेसिपीज तैयार हो रही हैं और ये सारा कमाल है मलेशियन पाम ऑयल का, जिसका एक्चुअली अपना तो कोई खुशबू तेज़ जायका नहीं होता, लेकिन जब जब रेसिपी उससे बनती है तो वो बहुत शानदार और मज़ेदार और जायकेदार होती है। फिलहाल हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मज़ीद आपको पराठे तैयार करके दिखाते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान, खुशबू ही खुशबू हमारे पूरा किचन महक रहा है, मज़े की रेसिपी तैयार हो रही है और एक पराठा यहाँ रेडी, और दूसरा आपको बनाना बता रही हैं। एक तो मैंने वैसा तरीका बताया था, ठीक है, जिसको वो मुश्किल लगता है, आप समझते हैं आप हैंडल नहीं कर सकेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप दो पेड़े बना लीजिए, एक साइज़ की आपने रोटी बेल ली, एक के ऊपर आपने अच्छी खासी फिलिंग डाली, दूसरी रोटी आपने उसके ऊपर कवर करनी है, और एजेस में मैंने पानी लगाया है थोड़ा ताकि वो चिपक जाए। और इस तरह से पैक कर दो पूरा। ये वाला भी आपने इतना परफेक्ट बनाया है, मुझे तो वैसा आसान लगता है। मैं घर में जब भी पराठे बनाती हूँ, चाहे कीमे के चाहे आलू के, अच्छा ऐसा बनाती हूँ, मुझे तो इजी वैसे ये लगता है, लेकिन आपा तो डिफिकल्ट वाला आपको लगता है कि वो ही प्रेफर करती है। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि ब्रेक में मैं ये पराठा ट्राई कर चुकी हूँ जो कि इतना मज़े का है। एक तो इसकी फिलिंग का कॉम्बिनेशन जो आपा ने दिया है, कॉर्न एंड पोटेटोज और बाकी तमाम चीज़ें सीजनिंग जो डाली है, बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी भी है क्योंकि ये वनस्पति से रेडी हुआ है जो कि जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। और एक और ख़ास बात, पराठे यूजुअली खाते हैं बहुत हैवी हो जाते हैं, लेकिन आप इसे खाएं बहुत आराम से, बहुत लाइट है, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, और पराठे तो वैसे ही आपको एनर्जी बहुत दे रहे होते हैं तो एनर्जी भी मिलेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, जब आप दिन भर थके हों तो आप ऐसा पराठा बना लें और आराम से खा लें, इंजॉय कर लें एनर्जी की एनर्जी, और साथ में जी आपको लाइट भी फील होगा। तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा सा आपा ट्विस्ट कर रही है इसको। अच्छा आपको एक और मैं बताऊं, इसको आपको आजकल आम का सीज़न है, आप आम से बनाएं। चीनी लें, एक आम लीजिए, उसको क्यूब्स में काटें, उसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालें, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालें, और 2 पराठों के बीच में एक में रखें और दूसरा पराठा ऊपर रखें, उसको बताएँ। ओहो आम का पराठा, वाह ये तो बच्चे बहुत शौक से खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार। वाह भाई जबरदस्त आइडिया, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मतलब आम की भी फिलिंग हो सकती है। फिर आप तैयार कर रहे हैं बस पराठों पे पराठे, वो भी बनस्पति से, और जी इंजॉय करें। अच्छा मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि शायद ऐसा ना हो खुल जाए, ना करें, कांटे से प्रिक कर लें। ओके लेकिन आपा ने तो अच्छा इसको पूरा ट्विस्ट कर दिया है कि कोई चांस ही नहीं है नहीं। किसी तरह से खुलेगा, नहीं खुलेगा इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा था। अच्छा जी और यहाँ चिकन रेडी है, ब्रेक में आपा ने वो भी अच्छे से सेट कर दिया, आपके सामने मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, आराम से कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है, और यहाँ पर बने तमाम खाने भी बहुत जायकेदार, मज़ेदार, लज़्ज़त से भरपूर होते हैं क्योंकि जी हमारी रेसिपीज तैयार हो रही है मलेशियन पाम ऑयल से और आपके सामने है। अच्छा आपा दिखाएंगी फिर हम रीकैप पे जाएंगे। बस ये मैं डाल रही हूँ, आपको चलना है तो आप चलें। अच्छा हम जा सकते हैं रिकैप पे, मैं उसको फ्राई करूंगी। डाने जी तो हम रिकैप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 रेसिपीज दोनों ही बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है, तो चेक कीजिए रिकैप, फिर जब हम वापस आएंगे तो ये पराठा ये रेडी हो गया होगा, दोनों की प्रेजेंटेशन वो आपको दिखाएंगे। ऑफकोर्स फिर आज का है सवाल क्या वो आप लोगों को बताएंगे, और मलेशियन पाम ऑयल आप लोगों को दे रहा है शानदार से गिफ्ट हैम्पर आज भी, तो अभी के लिए रिकैप वो चेक कीजिए। चिकन गुलाश, अच्छा
बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, मक्खन 3 खाने के चमचे, प्याज 1 कप, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ 1.5 कप। तरकीब, एक पैन में मक्खन और कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गर्म कर लें। अब इसमें चिकन फ्राई करें यहाँ तक कि वो ब्राउन हो जाए। फिर इसमें प्याज शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें नमक, सफ़ेद मिर्च, मैदा और पेपरिका पाउडर डालकर 2 मिनट फ्राई करें। इसके बाद पानी और टोमेटो प्यूरी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में नींबू और क्रीम डालकर चावल के साथ सर्व करें। कॉर्न एंड पोटैटो पराठा। अज्जा, आलू उबले और छिले 2 कप, स्वीट कॉर्न 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 कप, बारीक कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्चें 6 अदद, वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ हसबे ज़रूरत। तरकीब, तमाम अज्जा को उबले और छिले आलुओं में अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर डो के पेड़े बनाएं और फिलिंग डालकर दोबारा बॉल्स बना लें। अब इसे बेल कर पराठा बना लें। इसके बाद वनस्पति पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके पराठे तैयार करें और गरम गरम सर्व करें। जी, आप लोगों ने रिकैप देख लिया होगा, यहाँ दोनों रेसिपीज रेडी हो गई हैं। मैंने आप लोगों को पहले इन पराठों के बारे में बताया था जो कि वनस्पति से बने थे और जिसका मेन इंग्रेडिएंट मरीशन पाम ऑयल, जो कि बहुत ही लाइट वेट जब आप खाएंगे इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जी एनर्जी भी आपको बहुत मज़ेदार सी मिल जाएगी। तो बस जी, ये बहुत शानदार। और जब तक आप लोग रिकैप देख रहे थे तो इतने दौरान में मैंने ये चिकन ट्राई की है जो कि बहुत मज़ेदार और ये कुकिंग ऑयल में तैयार हुई है जिसमें जी मलेशियन पाम ऑयल शामिल है और ये बहुत ही खास और मज़ेदार आपा बहुत अच्छा फ्लेवर है, क्रीमी अच्छा। और फिर आपने उसका वो टोमेटो पेस्ट भी इसमें डाला है तो ये बहुत एक डिफरेंट से चिकन है। जरूर ट्राई कीजिए, सो सिंपल था। तो ये बहुत सिंपल और मज़ेदार और बहुत अच्छी रेसिपी है कि आप इसे जो है कोई आए तब आप बना लें तो फटाफट बन जाए, खुश सारे गेस्ट के। जी बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा जी, मलेशियन पाम ऑयल आप लोगों को रेसिपीज तो एक साथ एक के बढ़कर एक बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जी आप लोगों को गिफ्ट्स भी दे रहे हैं वो भी बहुत ही शानदार। तो जी आज के सवाल का आपने जवाब देना, बहुत ही आसान सा सवाल। तो सबसे पहले जी आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जो एड्रेसेस हैं वो आप देखिए और जी अब इसका सवाल का जवाब दीजिए जो कि स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है। आसान सा सवाल है, जवाब दीजिए और जी जीत सकते हैं मलेशियन पाम ऑयल की जानिब से शानदार सा गिफ्ट आप पर है ना, ज़बरदस्त आपका। तो जी आंसर दीजिए और विन करते जाएं और देखते रहिए हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल। ट्राई करिए जरूर रेसिपीज, जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपने भी वनस्पति और ऑयल लेना है जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम। ओह यस, तो फिर खानों की लज्जत जायका खुशबू को चेक कीजिएगा और जी इसके साथ साथ सेहत भी आप लोगों को मिलती जाएगी। हम इजाज़त लेते हैं, आज की एपिसोड अख्तिताम पर पहुंची है, फिर मुलाकात करेंगे मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तो मुझे और शिरीन आपा को दीजिए इजाज़त। Add some masala to your life.